नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है नवरात्रि का नौवां दिन और आज है रामनवमी। और आज दोस्तों सबसे बड़ी और महत्व की चीज, सबसे ज्यादा पावरफुल बात यह है कि आज सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग भी है। आज का दिन तमाम दिनों में बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आज रवि योग है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो ये उपाय जो मैं आपको बताती हूँ, बताने जा रही हूँ, ये उपाय दोस्तों आपके सूर्य को मजबूत बनाएगा। आज के दिन इस उपाय को करने से दोस्तों सूर्य वंशी भगवान राम की भी आपके ऊपर जबरदस्त कृपा उतरती है। सूर्य देव की कृपा तो उतरनी ही उतरनी है। आज दोस्तों 10 तारीख है, मतलब आज का अंक 1 का है और वार भी सूर्य वार है। तो आज के दिन जो भी आप सूर्य देव का उपाय करेंगे, और हाँ रवि योग भी है तो योग के हिसाब से भी सूर्य देव बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये छोटा सा उपाय आज के दिन आप कर ले। तमाम प्रकार के नजर, टोने, टोटके, हाय बद्दुआ जो भी आपके ऊपर लगी होगी वो दूर हो जाएगी। दूसरा, सूर्य देव आपके ऊपर खुश हैं तो आपका नाम बढ़ेगा, यश और पदवी प्रतिष्ठा सब कुछ आपके बढ़ेंगे, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, दिन दुगना रात चौगना आपकी प्रगति होगी। आज के दिन आप थोड़े से तिल ले लें, काले हो या सफेद हो, बराबर। और दोस्तों उस तिल को आप अपने पूरे शरीर में रगड़ लें। तिल शरीर से जितने गिरते हैं, रगड़ने के बाद उसे जमीन पर गिरने दें। उसके बाद उन तमाम तिलों को आप एक प्लेट में ले लें, बराबर। उसकी छोटी सी पोटली बना लें। उसके बाद सूर्य देव की जब आप पूजा करते हैं तो आज के दिन दोस्तों सूर्य देव के जल में तिल और गुड़ डालने से जन्मों की गरीबी दूर होती है, ये मैं आपको बता दूं। तो आज के दिन सूर्य देव के आगे 5 बाती का दीपक अर्पित करें, जल में तिल और गुड़ जरूर डालें। आज के दिन सूर्य देव को तिल अर्पित करने से दोस्तों जब तक आप जिएंगे हमेशा आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। हाँ, कर्म भी अच्छे करते रहना। 2 चीजें सूर्यदेव के जल में डालें और वो जल सूर्यदेव को अर्पित करें। 5 बाती के दिए से उनकी आरती उतारें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कर रहे हैं सूर्यदेव के सामने बैठ करके। सामने आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हो, यदि किसी कारणवश दिखाई ना दे तो भी आप पूरी पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह करके इन तमाम विधियों को करके उनका मंत्र जाप कर लें, ठीक है। उसके बाद में जो तिल आपने अपने शरीर से रगड़ करके नीचे गिराई है, उस तिल की जो पोटली बनाई है उस पोटली को पूर्व दिशा में रख करके ओम सूर्याय नमः मंत्र बोल करके उसे जला दें। तमाम प्रकार की बुरी चीजें जो आपकी लाइफ में जगह बनाकर बैठ गई थी वो तमाम चीजें आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। करके देखिए आज के दिन इस उपाय को दोस्तों, किस्मत चमक उठेगी, सूर्य देव की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।